नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 4 अक्टूबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि का होगा समापन। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। अस्पतालों में अब एक पल भी नहीं कटेगी बिजली। अब शिक्षकों की कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। पीएचडी करने वालों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अच्छी खबर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज माँ सिद्धिदात्री के पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि का होगा समापन। आज नवमी तिथि के साथ ही नवरात्रि का समापन हो रहा है। नवरात्रि के नवम दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। नवमी पर इन चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं प्रदेश भर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। हर पंडाल और मंदिर की सजावट की खासियत उसका थीम बेस्ड डेकोरेशन और लाइटिंग है। गाँव और शहरों के विभिन्न इलाकों में लाइटिंग, रिबन और सजावट देखने के लायक हैं। अब कामगारों को हर हाल में मिलेगा उनका पहचान पत्र। राज्य के कल कारखानों में काम करने वाले कामगारों को अब अनिवार्य रूप से पहचान पत्र मिल जाएगा। साथ ही कारखानों के रजिस्टर में उनका पूरा बायोडाटा भरा जाएगा। जो भी नियोजक ऐसा करने से कतराएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि बिहार में 8,000 से अधिक निबंधित कारखानों में 2.25 लाख से अधिक कामगार कार्यरत हैं। इनमें हजारों कामगारों को पहचान पत्र नहीं मिला है। जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कामगारों को पहचान पत्र नहीं मिलने के कारण कामगारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीतरी शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है तीतरी शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर। प्रदेश में दुर्गा पूजा का माहौल है। इस बीच हम आपको लेकर चलेंगे भागलपुर में नवगछिया के तीतरी गाँव स्थित शक्तिपीठ देवी दुर्गा मंदिर। इस मंदिर का इतिहास 423 वर्ष पुराना है। मंदिर में दुर्गा पूजा के अवसर पर भव्य मेला लगता है। बताया जाता है कि 1600 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर में देवी दुर्गा की एक भव्य प्रतिमा विराजमान है जिनकी पूजा अर्चना के लिए सालों भर लोगों की भीड़ जुटी रहती है। दशमी को काफी भव्य तरीके से उस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के समय श्रद्धालुओं की संख्या लाख से ऊपर पहुंच जाती है। पूर्व के 24 जोड़ी ट्रेनों के अतिरिक्त चलाई जाएंगी ये 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। त्योहारों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा हेतु 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें और चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना, दानापुर, समस्तीपुर आदि इन स्टेशनों तक और अतिरिक्त 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में 03281 या 03282 पटना सिकंदराबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन, 09417 या 09418 अहमदाबाद पटना अहमदाबाद पूजा स्पेशल ट्रेन, 01031 या 01032 छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल मालदा टाउन पूजा स्पेशल ट्रेन, 01043 या 01044 लोकमान्य तिलक टर्मिनल समस्तीपुर पूजा स्पेशल ट्रेन, 01663 या 01663 या 01664 रानी कमलापति भोपाल दानापुर और 01705 या 01706 जबलपुर दानापुर जबलपुर पूजा स्पेशल ट्रेन शामिल है। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर अगले महीने की 3 तारीख यानी कि 3 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार इन सीटों के लिए 14 अक्टूबर यानी इसी महीने से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 15 अक्टूबर नामांकन पत्रों की जाँच होगी। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। उपचुनाव की अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। बता दें कि आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जेल होने के बाद मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज विधानसभा सीट पर खाली हो गई थी जिस पर चुनाव होना है।
अब ट्रेन से कर सकेंगे सीधे बोध गया तक की यात्रा। लंबे इंतजार के बाद गया जी से झारखंड के चतरा तक रेल लाइन बिछाने को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। आने वाले कुछ सालों में यात्री सीधे बोध गया तक ट्रेन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे उन्हें गया जंक्शन पर उतरना पड़ता था। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र भेजकर चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह को दी है। इस परियोजना के तहत करीब 99.345 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि रेल लाइन पर गया के बाद परसावा, बोधगया, कमोद, शेरघाटी, हंटरगंज, जोड़ीकला, बोरियो व चतरा स्टेशन बनेगा और 3 टनल और छोटा बड़ा ब्रिज भी बनेगा। इस अनोखे पंडाल को देखने के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। इस साल दुर्गा पूजा को हर पंडाल और मंदिर की सजावट की खासियत उसका थीम बेस्ड डेकोरेशन और लाइटिंग है। इस बीच ऐसा ही कुछ अनोखा पंडाल छपरा जिले में देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सारण जिले के जलालपुर फुटानी बाजार में बैठे हुए शेर की आकृति बनाई गई है और इसी में माँ दुर्गा विराजमान है। लोगों को ये पंडाल खूब पसंद आ रहा है। 3 महीने के समय के बाद अब यह शेर पूरी तरह से तैयार है और माता का इसमें आगमन भी हो चुका है। इस पंडाल की चर्चा जोरों पर है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे स्वाति शर्मा की। स्वाति शर्मा एक भारतीय गायिका हैं। वह तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के अपने लोकप्रिय गीत बन्नो तेरा स्वैगर के लिए जानी जाती हैं, जो आनंद एल राय द्वारा निर्देशित फिल्म है। यह संगीत के निर्माण के लिए भी उल्लेखनीय है, जिसका उपयोग बॉलीवुड फिल्मों में किया गया है। 2017 में वह एफिल टावर पेरिस में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। स्वाति शर्मा का जन्म आज ही के दिन 4 अक्टूबर को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। स्वाति ने 7 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके परिवार ने उन्हें संगीत उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके रिश्तेदार भी मजाक में उनकी तुलना सुनिधि चौहान से किया करते थे। अस्पतालों में अब एक पल भी नहीं कटेगी बिजली। बिहार के अस्पतालों की स्थिति बेहतर करने के प्रयास में है। स्वास्थ्य विभाग ने एक ठोस कदम उठाया है। अब किसी भी सरकारी अस्पताल में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाएगी। इसके लिए जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्रों को अलग बिजली ट्रांसफर और नए कनेक्शन देने के लिए सरकार ने योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। इस योजना से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 17 जिले और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 21 जिलों में अस्पतालों में बिजली व्यवस्था में बड़े बदलाव का काम सौंपा गया है। इन 7 जिलों के बेहतर बनेंगी ग्रामीण सड़कें। बिहार के वो 7 जिले जहां की ग्रामीण सड़कें और भी बेहतर बनाई जाएंगी, उनमें पटना, नालंदा, बांका, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर और मुंगेर जिला शामिल है। बता दें कि राज्य सरकार इन सड़कों को अपने खर्च पर बेहतर बनवाएगी। इन सभी के लिए निर्माण एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा और फिर दिसंबर से काम शुरू होने की संभावना है। इसके लिए करीब 176.91 करोड़ रुपये की मंजूरी ग्रामीण कार्य विभाग ने दे दी है। इससे ग्रामीणों को कृषि सही रोजी रोजगार और व्यापार में मदद मिलेगा। बीपीएससी 67वीं के परीक्षार्थी इस दिन तक भेज सकते हैं अपनी आपत्ति। बीपीएससी की 67वीं प्रीलिमिनरी कंबाइंड कंपिटिटिव परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। बीपीएससी ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के आंसर की जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को केवल bpsc.bih.nic.in पर जाकर आंसर की को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपनी आपत्ति 12 अक्टूबर 2022 के पहले भेज सकते हैं। अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति ऑफलाइन भेजनी है। बीपीएससी द्वारा सेट किए गए फॉर्मेट में ही अभ्यर्थी को अपनी शिकायत है। इसके लिए आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसे आप आयोग की वेबसाइट पर देख पाएंगे। अब शिक्षकों की कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की रिपोर्ट कम आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी 90,000 विद्यालयों में नियमित कक्षा संचालन पर विशेष जोर होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया है। खासकर 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल की हर घंटे में पढ़ाया जाएगा। जल्द ही इसको लेकर विभाग से सभी जिलों को विशेष निर्देश भेजा जाएगा। वहीं किसी भी स्थिति में शिक्षकों कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जिम्मेवार शिक्षक या विद्यालय प्रधान विभाग की कार्रवाई के रडार पर होंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री स्कूलों में अनियमित क्लास को लेकर चिंता जाहिर की है और विभाग को इसके लिए 1 माह का समय भी निर्धारित दिया गया है।
नवादा में साइबर अपराधी के घर से मिले लाखों रुपए कैश। नवादा जिले के वारसलीगंज थाने की पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वारसलीगंज थाने के सोढ़ीपुर गांव में पुलिस ने साइबर अपराधी तथा बालू के वैध कारोबारी चंदन मिस्त्री के घर छापेमारी कर 17,03,000 रुपए बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही चंदन मिस्त्री भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मानना है कि चंदन मिस्त्री बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार में संलिप्त है। साइबर क्राइम करने वाले युवकों को द्वारा बड़े पैमाने पर ठगी का काम भी किया जा रहा है। सैनिटरी पैड मांगने वाली लड़की को मिला ऐड का ऑफर। सैनिटरी नैपकिन के लिए आवाज उठाने वाली छात्रा को देश भर से लाइमलाइट मिल रहा है। इस बीच एक सैनिटरी पैड कंपनी से छात्रा को विज्ञापन का ऑफर मिला है। ग्रेजुएशन तक उनकी पढ़ाई का खर्च भी कंपनी उठाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सैनिटरी पैड कंपनी से कंपनी का कॉमर्शियल विज्ञापन करने का ऑफर मिला है। साथ ही एक साल के लिए सैनिटरी पैड मुहैया कराने का वादा किया गया है। मालूम हो कि बुधवार को एक कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस पर बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर ने कहा कि आज आप सैनिटरी पैड मांग रहे हैं, कल निरोध भी मांगोगी। इसी को लेकर यह मामला लाइमलाइट में आया है, जिस पर लोग कड़ी आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं। पीएचडी करने वालों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अच्छी खबर। नेट पास अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बिहार सरकार अब पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को हर माह 10,000 रुपए की फेलोशिप देगी। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरल फेलोशिप के नाम से एक प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। यह उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिन्हें UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से फेलोशिप नहीं मिली है। विद्यार्थियों को इसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की टीम प्राप्त आवेदनों की जांच और फिर सत्यापन करेगी। इसके बाद ही आपको फेलोशिप देने की अनुशंसा करेगी। पहले चरण के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके लिए खूब प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुटे हैं। अब पहले चरण के मतदान में ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होना है। वहीं मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा पूजा की धूम के बीच प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कोविड-19 के महज 10 मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 178 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 3, भोजपुर और नालंदा में 1 और पटना में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 41,719 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 19 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। राज्य की सुख समृद्धि की कामना के लिए सीएम डिप्टी सीएम ने महाअष्टमी पर की पूजा अर्चना। बीते दिन नवरात्र अष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां महागौरी की पूजा अर्चना करने पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर और शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मां महागौरी की पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर साझा की। उन्होंने अपने आवास पर पारंपरिक परिधान धोती गमछा में देवी दुर्गा की विशेष पूजा की। सुशील मोदी ने कहा, लालू अब नीतीश कुमार की हर शर्त मानने को बाध्य हैं। महागठबंधन सरकार में राजद कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनवाने की जल्दी में लालू प्रसाद अभी नीतीश कुमार की हर शर्त मानने को बाध्य है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद से सुधाकर सिंह के त्यागपत्र के बाद लालू प्रसाद को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हटा देना चाहिए या जगदानंद को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार और जगदानंद एक म्यान में दो तलवारों की तरह साथ नहीं रह सकते। ललन सिंह ने पीके के पद यात्रा के खर्च पर उठाए सवाल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर जन सुराज पद यात्रा पर हैं। इसको लेकर जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीके की पद यात्रा पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वे जहां घूमना चाहें पूरे बिहार में घूमें, कोई परेशानी नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि कहां है CBI और ED। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से अखबारों को फुल पेज का जो विज्ञापन दिया गया है उसका नकद भुगतान किया गया है। यह CBI और ED तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और विपक्षी दल के नेताओं के लिए है। वे जहां घूमना चाहें पूरे बिहार में घूमें, कोई परेशानी नहीं है।
जयप्रकाश नारायण की जयंती पर नागालैंड जाएंगे मुख्यमंत्री। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 अक्टूबर को नागालैंड जाएंगे। वहां जाकर मुख्यमंत्री दीमापुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के कई सांसद और मंत्री भी नागालैंड जाएंगे। बताया गया है कि जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर दीमापुर में ऑल नागालैंड बिहार कॉन्फ्रेंस होना है। इसके लिए नागालैंड जदयू, भोजपुरी समाज नागालैंड, बिहारी समाज नागालैंड, बिहारी कल्याण समिति के संयुक्त निमंत्रण पर मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं। ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगी टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ उतनी ही मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इसके लिए ऑल इंडिया सेलेक्शन कमेटी ने 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम की कमान शिखर धवन को दी गई है, वहीं श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है: शिखर धवन कप्तान, ऋतुराज गायकवाड, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर उपकप्तान, रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि विश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल सरला ग्रेवाल का जन्म 1927 में हुआ। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचंद्र शुक्ला का जन्म 1884 में हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 में हुआ। हिंदी और बांग्ला पार्श्व गायिका संध्या मुखोपाध्याय का जन्म 1931 में हुआ। भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था। भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता इदिता नागेश्वर राव का निधन 2015 में हुआ। भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का निधन 1968 में हुआ और आज ही के दिन विश्व पशु कल्याण दिवस और राष्ट्रीय अखंडता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को GOI में विलय कर देने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट कर लिखा है कि एक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित डेक्कन हेराल्ड दावा कर रही है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म कर सकती है और इसका विलय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट GOI में कर देगी। PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। अपने YouTube में ऐसे बंद करें एडल्ट कॉन्टेंट। आजकल बच्चों का फ़ोन की तरफ सबसे ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। ये बच्चे या तो गेम खेलना या फिर YouTube पर वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आपको भी डर लगा रहता है कि कहीं आपका बच्चा भी किसी अडल्ट वीडियो को ना ओपन कर ले, तो आप पेरेंटल कंट्रोल फीचर की मदद से अडल्ट कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन कर दें। इस फीचर को ऑन करके आपके यूट्यूब वीडियो में अडल्ट वीडियो प्ले नहीं होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रहलाद कुमार, अनवर करीम खान, रणधीर राम, राजकुमार कुशवाहा, कविता कुमारी, जगन्नाथ कुमार, रवि कुमार राम, शाहबाज अंसारी, अरुण कुमार और कृष्णा प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नियमित क्लास लिया जाता है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।